सुशांत सिंह की डेथ एनिवर्सरी पर बिग रिपोर्ट। 677 दिनों से चार अफसर एक एक तथ्य खंगाल रहे। यूएस तक से मांगी मदद, वकील बोले गला घोटा गया। एम्स के जिन सुधीर गुप्ता ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है, उन्होंने ही मुझे ओरली कहा था कि सुशांत के गले में जो निशान है वो स्ट्रैंगुलेशन, गला घोटने का निशान है, हैंगिंग का नहीं। बाद में गुप्ता ने ही इसे सुसाइड बता दिया। मैं तो अब भी यही पूछ रहा हूँ कि जहाँ सुशांत लटका मिला उसके बाजू में बेड था, वो स्ट्रगल करता था तो बेड पर चला जाता, जब लटका रहा तो बेड उसकी बॉडी से टच कर रहा था, ऐसे में वो कैसे मर सकता है। यह सवाल सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील विकास ने भास्कर में हुई बातचीत में उठाए हैं। सुशांत की मौत को 2 साल हो चुके हैं। देश की 3 बड़ी एजेंसी CBI, NCB और ED इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन नतीजा अभी तक 0 है। SBI ने इस केस में 6 अगस्त 2020 को केस रजिस्टर किया था, तब से अभी तक उसे जांच करते हुए 677 दिन हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जबकि इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी ने 4 सीनियर अफसर गुजरात कैडर के 1994 बैच के IPS मनोज शशिधर, 2007 बैच की IPS नुपुर प्रसाद और CBI में SP अनिल यादव को लगा रखा है। SBI के PRO ने भास्कर को यह भी कंफर्म किया है कि टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में भास्कर इस केस से जुड़े अहम लोगों तक पहुंचा और उनसे जाना कि इस मामले को अब वे कैसे देख रही हैं। हमने बीते 2 सालों की टाइमलाइन भी तैयार की है। मेगा CG लाइव की रिपोर्ट।